सिंहिया थाना अंतर्गत लहंग डुमरिया पंचायत के डुमरिया गांव में 19 जनवरी की रात चोरों ने भगवान की मूर्ति को किया क्या चोरी। हुआ है पुजारी सहित पूरे गांव में मचा कोहरा। पुजारी द्वारा बिहिया थाना में एफआईआर दर्ज। ग्रामीणों के अनुसार उस मंदिर में 9 मूर्तियां थी जो लगभग 300-400 साल पुरानी थी। मूर्तियां ठाकुर भगवान की थी जिसको चोरों के द्वारा 19 जनवरी की रात चुरा लिया। रोज अपने पूजा करते हैं, 19 तारीख को भी किए हैं और 19 तारीख को पूजा करने के बाद ताला बंद करके घर चले गए। फिर 20 तारीख को सुबह में आए तो देखे कि ताला टूटा हुआ है और मूर्ति सब गायब, 9 मूर्तियां यहाँ से गायब है। उसके बाद प्रशासन को सूचना दिया गया सुबह, प्रशासन को के पास ठाकुर जी भी गए थे, वहां पर आवेदन नहीं लिया गया। फिर आज हम मिलकर आए हैं, थाना प्रभारी तो नहीं थे मगर आश्वासन मिला है कि आपका एफआईआर दर्ज किया जाए। तो उस वक्त किसी ने यहाँ थाना प्रशासन किसी ने भी इस कार्रवाई को सीरियस नहीं लिया था? कोई प्रशासन सीरियस नहीं लिया। अब कुछ कार्रवाई करने की बात हुई है? आज तो बात हम गए थे आवेदन लेकर। कितने बजे लगभग कितने बजे आप गए? आज हम लगभग 2 बजे के लगभग हम गए थे। कोई आया है कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या कहना था? थाना प्रभारी भी नहीं थे हमारे। कोई तो होगा ना थाना में? थाना में लोग थे। हाँ। क्या कहना है उन लोगों के? उन लोग बोले कि हमको आवेदन दे दीजिए, हम लोग FIR दर्ज करेंगे। तो आपने आवेदन दिया? हाँ, FIR हो गया है। FIR आज दर्ज हो चुका होगा। हो चुका होगा अभी। हाँ, आपको सही से क्या मांगे, आपको प्रशासन से क्या कहना है? प्रशासन से मांग रही है कि हमारे गांव की 9 मूर्तियां है, इसमें जितना जल्द हो सके जो है इसमें पकड़ा जाए और हमारी मूर्ति मिलना चाहिए। मूर्ति कितना दिन का? 1000 बरस के कि 2000 बरस के? केहू जानत नहीं थे। 9 मूर्ति चोरी गई बा, एमे वक्त धातु का भी बा। यहाँ से मंदिर से 9 मूर्तियां चोरी हुई हैं? जी हाँ, उसी दिन जी जी एक साथ में सब साथ में ही सब मूर्ति चोरी हुई है जी। नहीं एक तो मूर्ति है इतना? अरे मूर्ति नहीं ना। अब क्या क्या आप लोगों ने प्रशासन से मिला अभी? जी प्रशासन के ये पहुंचल है तो वो लोग कहल कि गांव में और ही कहूबा कि ना बा, तमना के बाद दिया गुल है जी। तो आप लोग गए गांव वाले? आप लोग गए इनका फेर दल तो आपसे कहा मंदिर में मूर्ति की चोरी हुई है? कब ये चोरी कब हुई है? चोरी रात में हुई है, 19 तारीख की रात में। तो आपने चोरी की, आपको चोरी कब मालूम चला है? हमको जी सुबह में जब हम आए पूजा करने के लिए वो गेट को खोले, उसमें गेट बंद था, वहाँ बंद था, उसमें उस ताला से हम खोले यहाँ आए तो देखे कि खुला हुआ है किवाड़ी कुंडी का बरा। तब हम गांव में गए, सभी को सूचना दिए। किसी से आप लोगों ने कंप्लेन किया है शासन प्रशासन? किससे? प्रशासन से जाकर गांव में सब कुछ हम बोले हैं और उसके बाद में हम चौकीदार के पास गए हैं। जी सर, तू बोले कि हम मजल में फंसे हुए हैं, उसके बाद में हम अपन तो यहाँ पर प्रशासन आया है? नहीं अभी तक नहीं है, नहीं। 3-4 दिन हो गया है लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहना है आपका? क्या कहना है कि ये बहुत प्राचीन मूर्ति थी जी और जल्द से जल्द मिलना चाहिए, चाहे प्रशासन से मिले चाहे आप मीडिया वाले से मिले, हमको मूर्ति मिलना चाहिए। और मूर्ति के और क्या हम कह सकते हैं? तो आपको किसी आप इस किसी पर आप लोगों को शक है? नहीं शक नहीं है, हम देखे नहीं है तो शक किस पर कर सकते हैं? नहीं ऐसे अगर आप लोगों को लगता हो कि कब कोई ऐसी घटना याद हो जिससे आपको लगा कि कुछ नहीं, नहीं हमको सब किसी पर नहीं इस तरह की कोई बात नहीं, नहीं। सरकार और प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? हमारा मूर्ति के कम से कम खोजने में हमारी मदद करे और हमको मूर्ति चाहिए। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए। हम जगदीप सिंह, ग्राम लांग डुमरिया, थाना बिहिया, जिला भोजपुरारा। ये किस पंचायत में पड़ता है आपका? लांग डुमरिया। 19 तारीख को शाम को जो पुजारी यहाँ पर रहते हैं
वो अपना पूजा पाठ करके ताला वाला बंद करके अपने घर चले गए थे, इसलिए रात में यहाँ पर नहीं रहते। और सुबह में 20 तारीख को जो सुबह आए हैं 5 या 6 बजे करीब, उस समय मंदिर का मुख्य गेट जो है दरवाजा, तो बाहर गेट तो बंद है लेकिन अंदर का जो जिसमें ठाकुर जी रहते इतने विराजमान है उसका दरवाजा खुला हुआ था। तो पुजारी जी हम लोग को बताए, गांव में जाकर बोले कि इस मंदिर का मूर्ति तो चला गया, 7 या 8 मूर्ति था मेरे ख्याल से जो हम सुने, इसलिए हम लोग देखे नहीं है, मतलब ये तो मंदिर बहुत पुरानी है, 2-4-500 साल पहले की है, अब उस समय की मूर्ति होगी हम देख अंदर, इसलिए अंदर हम लोग नहीं जाते हैं, वो ठाकुर जी का मतलब दरबार है, बाहर से गुड़ो लग लेते हैं अपना। तो इसके बाद ये गांव में अपने घूमकर बोले कि मंदिर का तो सब चोरी हो गया। इसके बाद एक आवेदन लिखा गया जिसमें कुछ व्यक्ति का साइन किया गया था, तो ये लेकर वहां पर क्या बोलते हैं मियां थाना में गए थे। कौन लेकर गए थे? जो पुजारी है, पूजावल ठाकुर जी है जो कि गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं को रखा गया है पूजा करने के लिए। तो वहां पर अभी तो कोई कार्रवाई हमको नहीं लगता है हुआ है प्रशासन की तरफ से। चोरी किस गांव में हुई है? चोरी सर ग्राम लहंग डुमरिया। कौन से पंचायत में आता है? पंचायत लहंग डुमरिया, वार्ड नंबर 10। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मेरी माँ इस वार्ड पर थी, वार्ड की पार्षद है। काम कौन देखता है? आप ही देखते हैं? जी हाँ। तो आप ही के वार्ड में ये चोरी की घटना? जी जी। तो कुंडी रहे, कुंडी के बार के अरुगा गिरा दिल गिल रहा अंदर ढुकल गिल रहा देखो तो कल लागल बे इधर ना जा सके थे तो ये गिरा छ के हो के भजन भजन मत ढुको में ना ढुक जा तो काहे ढुक बता रोड सब जाने जिनोगा बंद रहे या ताला ना रहे, बाहर ताला रहे या ताला नहीं खोल दे कोड़ी खोल दे वो एकरा बात एकरा के खोल करूंगा ठाकुर जी और खोलो आ ऊपर मिलती है दिन तो चाहिए जब हमने मारो ना किया हो देखे हुए, देखने के बाद में बोले किसे आप ही है गांव में, उस सब आदमी है ना प्रशासन का ये कहना था, यही बोले। इसके बाद में कहीं एप्लीकेशन दिए, बोले एप्लीकेशन कौन लिखा है, हम बोले तो कहे किसे ठीक है उन्हीं को लिया ली जो लिखा है, तो वे कहीं चले गए। बॉल की